हेलो, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी अब भी चर्चाओं में बनी हुई है। हाल ही में इस क्यूट कपल ने हनीमून से लौटकर पब्लिक अपीयरेंस भी दी थी। गुलाबी रंग का सूट, हाथों में लाल चूड़ा, माथे पर सिंदूर, कैटरीना इस लुक में भी खूबसूरत लग रही थी। खैर, अब जैसे जैसे शादी की तस्वीरें सामने आ रही है, वैसे वैसे कुछ सीक्रेट्स भी पता चल रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड के बड़े स्टार्स भले ही शादी का पार्ट ना बन सके, पर इस जोड़ी को गिफ्ट तो देना बनता ही है। इन गिफ्ट्स में से दो सबसे खास तोहफे हैं, और ये खास इसलिए है क्योंकि ये तोहफे कैटरीना को उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स ने दिए हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान खान ने कैटरीना और विकी को 3 करोड़ रुपए की रेंज रोवर तोहफे में दी है, जबकि रणबीर कपूर ने कैटरीना को 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के हीरे का हार गिफ्ट किया है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन खबरें चर्चाओं में है। खैर, इसी के साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फैंस के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, काफी समय बाद रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट और खुद के रिलेशन पर ऑफिशियली कुछ कहा है। दरअसल रणबीर और आलिया दिल्ली में अयान मुखर्जी की अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर का लॉन्च करने गए थे। इस दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब भी दिए। रणबीर से एक फैन ने पूछा, आप आलिया भट्ट या किसी और से कब शादी करेंगे? सवाल का दूसरा पार्ट सुनकर आलिया भट्ट कुछ गुस्से में नजर आई, लेकिन रणबीर हंसते हुए जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, क्या हमने पिछले एक साल में बहुत सारे लोगों की शादी नहीं देखी? मुझे लगता है कि हमें इससे खुश होना चाहिए। ये कहते हुए रणबीर आलिया की ओर देखते हैं और पूछते हैं, हमारी शादी कब होगी? तो इसमें एक्ट्रेस जवाब देती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इस पर रणबीर ने बात संभालते हुए अयान मुखर्जी की ओर इशारा किया और कहा, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ। तब फिल्म मेकर ने कहा, आज के लिए एक ही डेट काफी है, जो ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट है। यानी कि दिल्ली में इस कपल के फैंस को काफी क्यूट मोमेंट्स देखने को मिले। वैसे आपको बता दें, ये क्यूट कपल, जिसे लोग अब हैशटैग रालिया के नाम से जानने लगे हैं, 2017 से डेट कर रहा है। दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल है, काफी क्लोज है। पिछले साल रणबीर ने ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अगर कोरोना ना होता तो वे शादी के बंधन में बंध गए होते। अब खबरें हैं कि फिल्मी प्रोजेक्ट से फ्री होते ही ये कपल शादी कर लेगा, यानी कि 2021 के अंत में जहां साल की सबसे चर्चित शादी हुई, वहीं 2022 के अंत में भी एक और बॉलीवुड की चर्चित शादी होगी। वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रणबीर और आलिया, यानी कि रालिया, आपको कैसे लगते हैं। नमस्कार।